नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज धान निंदाई का 5वां दिन होने वाला है और बाम तरफ के खेतों में जाएंगे वो 3रा दिन होने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा है और मैं भी बगीचे में हूँ, वहाँ के फ्रेश हो चुका हूँ और अभी धान के खेतों को देखने के लिए जा रहा हूँ, कल जो धान रोपाई किए हैं उसे, है ना। तो चलिए सीन दिखा देते हैं। और उससे पहले ये देख लीजिए किस तरीके से केले का गुच्छा अपने बगीचे में गिरा हुआ था जो कि पका हुआ है, लेकिन केला जो है अच्छे से बड़ा नहीं हो पाया था, इसलिए शायद तक अच्छा ना लगे हमें, तो इसे बाद में लेके जाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग को धान रोपाई वाला सीन दिखा देते हैं, कल कितना काम हुआ है। इधर का एक खेत बचा हुआ था, कल मैं आप लोग को दिखाया था और शायद तक कंप्लीट हो चुका है। दर्शकों, यहाँ पे अब जो धान बुनाई किए थे, गाछी लगाए थे, वहीं 2-3 खेतों में बचा हुआ है धान रोपाई करना और इधर पूरा खेत कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें सही हो रही हैं दर्शकों। आज क्या करना है, धान के पौधों को बंडलों में बांध कर बांध साइड के खेतों में लेकर जाएंगे और वहाँ रोपाई करेंगे। ठीक है, तो बस कुछ 1-8 हफ्तों का खेल बचा हुआ है। आज 6 अगस्त है, तो 15 अगस्त तक जितना भी धान रोपाई वाला काम है, धान बुनाई वाला काम है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पिछले साल तो हो ही गया था, या फिर जल्दी हो जाएगा, 15 अगस्त से पहले ही हो जाएगा, है ना। 15 अगस्त तक तो हम पूरा आज़ाद हो जाएंगे, है ना। और बांध तरफ 6-7 खेत हैं छोटे छोटे, तो बस उधर ही खेल बचा हुआ है। यहाँ पे तो बस 3-4 घंटे में काम हो जाएगा, 3-4 घंटे नहीं, एक दिन में बगीचे काम हो जाएगा। बगीचे में 2-3 खेत बचे हैं, उन्हें कंप्लीट कर देंगे ना, और बस बांध साइड का ही कंप्लीट करना है, फिर काम हो जाएगा कंप्लीट। दसों अभी मैं सुबह सुबह पका हुआ पपीता खाने वाला हूँ, तो यहाँ से 1-8 पका हुआ पपीता तोड़ लेते हैं, है ना। ये रहा पका पपीता, इसे आज नहीं तोड़ेंगे तो इधर से सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक और है इधर, इसे बाद में तोड़ेंगे। इधर देखिए कितने सारे पपीते फले हुए हैं। दर्शकों, अभी सुबह 9:11 हो रहे हैं और मैं बांध तरफ खेतों में जा रहा हूँ, तो अपने को क्या है, इधर बोतल में पानी लेके जाना है, है ना। इधर ट्रैक्टर का सामान है, पन्ना प्लास, है ना, सारी चीज़ें, और हमारा बाइक। तभी हम इधर बांध साइड ही एक मोहल्ला है सुभाषी पर, वहाँ से बोर में पानी भरेंगे और लेके जाएंगे। ठीक है, फिर बांध के पास जाके काम करेंगे, है ना। चलो, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आज जितना भी काम होगा उसे आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दर्शकों अभी हम बोर के पास आ चुके हैं, सामने है बोर, यहाँ से पानी भरने वाले हैं हम। ठीक है, चलो, ये पानी पीने लायक है, कल दूसरे बोर का लेके गए थे तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, ये कुएं टाइप का बढ़िया मस्त लगता है, है ना। चलो, पानी भर चुका है, इसे लेकर चलते हैं अब। दर्शकों, अभी मैं बांध के पास आ चुका हूँ और यहाँ खेतों में ट्रैक्टर भी आया हुआ है, ट्रैक्टर चिखा करने वाला काम कर रहा है और भैंस की मदद से खेतों को समतलीकरण भी किया जा रहा है। ठीक, दोनों तीनों काम हो रहा है और अभी तक तो धान के पौधे आए नहीं हैं, धान के पौधे आएंगे फिर रोपाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम फौड़ा पकड़ के खेतों को छीलने वाला काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और दर्शकों, पिताजी जा रहे हैं घर, घर से जाएंगे बगीचे, है ना। बगीचे में जाके पता करेंगे कि धान निंदाई करने के लिए जितनी महिलाएं आती हैं वो आई हैं कि नहीं आई हैं, है ना। अगर आई हैं तो फिर वहाँ पे धान निंदाई करेंगी और बंडलों में बांध कर घर लाएंगे, घर से हम बोरे में भर के यहाँ बांध के पास लाएंगे। ठीक है, और दर्शकों, राखड़ लाना तो हम लोग भूल गए हैं,
नहीं तो ट्रैक्टर में आ जा रहा था, तो अभी राखड़ को बाइक में ही लाना पड़ेगा, 2-3 बोरा है ना, तो बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। इधर ट्रैक्टर चल रहा है इस साइड, कल आया था ट्रैक्टर लेकिन उसका बेयरिंग ख़राब होने की वजह से वापस चले गया, थोड़ा 2-3 राउंड मारा फिर चले गया, फिर नया बेयरिंग डाले हैं, ठीक है। तो अभी चल रहा है काम बढ़िया। और इधर समतलीकरण चल रहा है, तो इधर से आज रोपाई स्टार्ट होगा इन खेतों से, है ना। पानी तो बहुत भरा हुआ है, ये दोनों खेत तैयार हो चुके हैं लगभग, तो इनमें सबसे पहले धान रोपाई होगा, फिर इधर वाले खेतों में धान रोपाई करना स्टार्ट करेंगे। इधर ट्रैक्टर चल रहा है देखो, है ना, तो कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है। सुबह सुबह बढ़िया है, बढ़िया धूप ऊप किया हुआ है, हो सकता है दोपहर में मौसम बदल जाए, बारिश वारिश होने लग जाए। फिलहाल तो अभी मौसम पूरा साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और दर्शकों अभी मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है, क्योंकि सिखला में काम करते करते कपड़ा गंदा होना ही है, तो अच्छे कपड़ों को हम निकाल देते हैं और गंदे कपड़ों को फिर से पहनने लग जाते हैं। तो चलिए अभी कपड़ा चेंज हो गया, फौड़ा पकड़ते हैं और काम करने के लिए चलते हैं। इधर रहा अपना फौड़ा, ये पकड़ लिए, पीने के लिए पानी, सारी व्यवस्थाएँ हैं, चलो चलते हैं। सही है, काम चल रहा है दर्शकों, सही है। दर्शकों देखिए चिकला किया जा रहा है अपने खेतों को, है ना, कुछ इस तरीके से चिकला करते हैं हम लोग। दर्शकों नया दिन, नया जोश, नया उत्साह के साथ आज फिर से देखिए जोरों शोरों से चिकला किया जा रहा है। ये वाला खेत कंप्लीट हो चुका है, अब आगे वाले खेतों पे जा रहे हैं और उसे भी चिकला करेंगे। और हमारा हालात देख सकते हैं दर्शकों, देख रहे हैं चेहरे का हालत देखिए, अपने बॉडी का हालत देखिए, कैसे चिकला चिकला हो चुका है, और अभी और चिकला होना बाकी है। तो बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए, पूरा सीन देखिएगा, मज़ा आ रहा है दर्शकों। नहा धो के ऐसी हालत हो जाती है दर्शकों, देख रहे हैं। चलो वाला खेत में चलते हैं, दर्शकों भाई का मेहनत देख रहे हो, पसीना निकल रहा है थर थर, और हम काम कर रहे हैं झर झर। इधर इन खेतों में भी ट्रैक्टर में चिकला किया जाता है लेकिन फंस सकता है ट्रैक्टर, इसलिए मना कर रहे हैं शायद तक, है ना। देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं भैया जी ट्रैक्टर चलाने वाले। ट्रैक्टर इधर जा रहा है, इधर दो खेत कंप्लीट हो चुके हैं, सही है। दोपहर के 11 बजने वाले हैं और इधर आप खेतों में देख सकते हैं, इधर धान रोपाई चल रहा है। ये हमारा खेत नहीं है, पड़ोसियों का खेत है ना सीधा। और इसके अलावा अपने खेतों में समतलीकरण चल रहा है बैलों की मदद से, बड़े बड़े बैल हैं, दिखाता हूँ, कल परसों भी दिखाया था। ये देखिए इधर चल रहा है धान रोपाई, और इधर ये ब्यूटीफुल सीन देखिए दर्शकों। और अभी हम मुर्रा खा रहे हैं,
और पपीता भी दिखाएंगे। पपीता भी एक टुकड़ा खा लिया ना, एक टुकड़ा बचा हुआ है। बेहतरीन खाए के बाद ना पानी नहीं पियाते, पानी प्यासा थे पपीता, पानी प्यासा थे ना पपीता खाने, या फिर तो पानी पीना है ना तो पपीता मत खा, पहले पानी पी बाद में खा, नहीं तो खाया था पानी नहीं पिए सकत। तरबूज का तरबूज खीरा क्यों पकी से बर्छा में पपीता। दर्शकों अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये देख सकते हैं ये पहला खेत कंप्लीट हो चुका है, किनारे किनारे छिलाई कर दिए हैं, है ना, और ट्रैक्टर में एक बार चिखला भी हो गया है। अब इसे कोपर से एक बार समतलीकरण करेंगे फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नीचे वाला खेत जिसे कि चिखला कर रहे थे एक दो घंटा पहले, इनकी छिलाई करते हैं किनारे किनारे, है ना, देखते हैं कितना टाइम में कंप्लीट कर पाते हैं। अभी 12 बज रहे हैं, एक बजे लंच होगा, एक से दो तो से ढाई ढाई तीन बजे फिर स्टार्ट कर पाएंगे खाना खाने का, तो अभी सिर्फ एक घंटा ही काम कर पाएंगे हम। दर्शकों अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, सूरज भगवान अभी भी अपनी किरणें बिखेर रहे हैं, भर भर के पसीना निकल रहा है दर्शकों। इधर दूसरा खेत में आधा काम कंप्लीट हो चुका है, आधा इस साइड का बचा हुआ है, और इधर ट्रैक्टर भी ऊपर साइड के जो खेत हैं उनमें हल जुताई कर रहा है, देखते हैं कितना टाइम करेगा। शायद जा रहा है ट्रैक्टर, नहीं करेगा हल जोताई। और दर्शक अभी मैं खाना खा के आता हूँ, है ना, आधा घंटे में, और इधर का ये खेत कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा दर्शक को घर वाले धान के पौधों को बोरी में भर कर ले आए हैं, है ना, वहाँ अपने झोपड़पट्टी लारी के पास, तो अभी वहाँ जाते हैं और खाना वाना खाते हैं और देखते हैं कितना बोरी धान के पौधों को लाया गया है, और फिर खाना वाना खा के धान रोपाई स्टार्ट हो ही जाएगा, उधर से स्टार्ट होगा, फिर कल के डेट में इधर स्टार्ट हो जाएगा। राखड़े राखड़े भाई राखड़ में जमीन के का बाछी यार, बारिश हो रही है दर्शकों, मौसम अपना मिजाज बदलते हुए, देखिए दर्शकों अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और देखिए मौसम फिर से बदल रहा है, सूरज भगवान निकल रहे हैं, धूप बढ़ रही है और उधर से बादल भी आ रहे हैं, बादल भी गरज रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, धूप भी कर सकता है, कुछ पता नहीं है। और उधर आगे साइड धान रोपाई चल रहा है और यहाँ अपने लेबर लोग इन खेतों में राखड़ सिंचाई कर रहे हैं, अभी राखड़ मिला रहे थे, बारिश हो रही थी तो अभी 5-6 बोरी है ना राखड़ को मिलाए हैं, यूरिया पोटास सुपर, है ना, ये तीनों राखड़ को मिला के अभी सिंचाई किया जा रहा है। मैं जा रहा हूँ फावड़ा पकड़ के खेतों को छीलने वाला काम करने के लिए, तो कुछ ऐसा सीन है दर्शक। इधर इस किनारे से यहाँ से छोड़ कर गए थे हम 1 बजे, तो अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, पूरा एक राउंड मारेंगे, है ना, छिलते छिलते। ऐसे छिलना है भैया जी। दर्शकों अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, इधर सूरज भगवान हल्के फुल्के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इधर से घनघोर बादल आ रहे हैं और बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, पता नहीं क्या होगा, बारिश होने वाली है ज़ोर से मुझे लग रहा है। और इधर खेतों में राखड़ सिंचाई चल रहा है दर्शकों, पता नहीं कितना पानी आने वाला है, फिलहाल मैं ये काम कंप्लीट कर रहा हूँ, देख रहे हैं बादल कैसे गरज रहे हैं।
पर सिंचाई चल रहा है और बादल भी आ रहे हैं, चारों तरफ फैल चुके हैं बादल और बारिश होने वाली है बहुत जोरदार की। बिजलियाँ बहुत जोर की बारिश आ रही है, दर्शकों देख रहे हैं बारिश। इधर आकाश खड़ा अपना इस त्रिपाल के नीचे में पानी किनारे किनारे आ रहा है दर्शकों। ये देखिए दर्शकों बारिश के बाद से इधर गैया वगैरह चराने गए थे वो वापस लौट रहे हैं, बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं, है ना। और इधर का हरा भरा सीन देख सकते हैं बारिश के बाद कितनी हरियाली हो जाती है, है ना। भूलो भिजो दारो था तो सीधी नहीं थे रहा तू इन लोग का छाता वगैरह भी पूरा पलट गया है दर्शकों, भीगते भीगते आ रहे हैं। इतना जोर का बारिश हुआ है, हवा पानी चला है ना, तो फिर ये चीज़ें तो होनी ही हैं। और हम भी कच्चे हो चुके हैं और बारिश में भीगना हो गया 5 मिनट, हालांकि 15 मिनट ही बारिश हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी बारिश हुई ना तो यहाँ पर जितने भी रोपाई कर रही महिलाएं हैं ना वो भाग गई थी, अभी बारिश ख़त्म होने के बाद फिर से आई हुई हैं और रोपाई कर रही हैं। इधर दर्शकों देखिए लकड़ी के ऊपर रख दिए थे राखड़ को और बचाए थे, बारिश में भीग सकता था, नीचे पानी आ रहा था ना। और अभी देखिए पानी किस तरीके से भर गए हैं खेतों में और राखड़ सिंचाई चल ही रहा है। चलिए राखड़ को वहाँ पहुँचाते हैं मेड़ के पास, ये वाले को, है ना। और दर्शकों इधर का भी थोड़ा सा काम हुआ है, अभी नहाने के लिए बांध सड़ जा रहे हैं, धान रोपाई चल ही रहा है। 5:28 हो रहे हैं। चलो तो दर्शकों अभी हम इस बांध में नहाने वाले हैं हर रोज़ की तरह, है ना। शाम के 5:30 रहे हैं, ठीक है। और दर्शकों कुछ इस तरीके से रहा आज का हमारा काम धाम, है ना। तो अभी भीगे हुए हैं तो थोड़ा ठंड भी लग रहा है, अभी झटपट से यहाँ नहाएंगे, नहा के घर जाएंगे, घर में गर्मा गर्म चाय पियेंगे, फिर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और हाँ दर्शकों धान की रोपाई आज तो नहीं हो पाई किसी वजह से, और वो वजह है कि आज धान निराई करने में पूरा दिन निकल गया, बीच में तो बारिश हो गई तो 1 घंटा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया। तो अब कल के डेट में सुबह जल्दी से धान के बंडलों को बोरी में भर के यहाँ खेतों के पास लाएंगे और धान रोपाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
तो चलिए दर्शकों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में, तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटें, दुख बांटें, जीवन की सारी चिंता कटाएं। शी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।